हेलो फ्रेंड्स, आई एम नरेंद्र वर्मा वंस अगेन बिफोर यू और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनवी एडुहब। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम सारे एडजस्टमेंट समझ चुके हैं और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्द एक क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें मैक्सिमम एडजस्टमेंट के साथ हम क्वेश्चन करेंगे। तो आज वही क्वेश्चन आपके सामने है। मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्टमेंट इसमें लिए जाएँ ताकि आपको सिखाया जा सके कि किस तरीके से अगर एडजस्टमेंट्स हो तो फाइनल अकाउंट बनाना है। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स दोनों के लिए मैंने क्वेश्चन ऐसा लिया है जो हिंदी इंग्लिश दोनों में, राइट। तो देखिए, यहाँ पे हमको एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और 31 मार्च 2020 डेट पे दिया हुआ है। ओके, ये डेबिट बैलेंसेज हैं, सबको हम पढ़ के समय नहीं गवाएंगे, मेन मेन चीजें पढ़ लेते हैं। देखिए, बैड डेट्स भी हमको दिया हुआ है यहाँ पे और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी दिया हुआ है, राइट। लेकिन ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, कहाँ पे दिया हुआ है हमको? क्रेडिट साइड दिया हुआ है 2000। ओके, मींस ये ओल्ड प्रोविजन हो गया। अब देखिए, ये क्वेश्चन इतना पढ़ने के बाद अब हमको पढ़नी है इसके एडजस्टमेंट। तो यहाँ इसके एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। अब देखिए, क्वेश्चन करने का सबसे पहला स्टेप, अगर आप फाइनल अकाउंट बना रहे हैं जिसमें एडजस्टमेंट है, देन व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज दैट यू रीड ऑल द एडजस्टमेंट, सभी एडजस्टमेंट्स को अच्छे से पढ़ें और ये एडजस्टमेंट जिस भी आइटम से रिलेटेड है वहां पर कोई यार मार्क बना दें, कोई निशान लगा दें या टिक लगा दें, जिससे आपको याद रहे जब भी उस आइटम को जहां भी आप प्लेस करेंगे इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि फाइनल अकाउंट में वो अमाउंट उसमें जोड़ा या घटाया जाता है, राइट। इसलिए तो देखिए, सबसे पहले यहां दिया हुआ है 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ही है। 31 मार्च 2020 को स्कंद देखिए लास्ट डेट पे है तो क्लोजिंग स्टॉक ही होता है 32,500 है। ये तो आपको पता है, ये अमाउंट दो जगह जाएगा, कहां कहां जाएगा ऑलरेडी वी नो। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा ये क्रेडिट साइड और दूसरी जगह बैलेंस शीट में जाएगा ये एसेट साइड। तो ये तो ऑलरेडी पता है, इसके लिए टिक लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ गया आपका भवन पर 5%, फर्नीचर तथा फिटिंग्स पर 7.5% एवं मोटर गाड़ियों पर 18% ह्रास अपलिखित कीजिए। डेप्रिशिएट बिल्डिंग एट 5%, फर्नीचर एंड फिटिंग्स एट 7.5% एंड मोटर व्हीकल्स एट 18%, राइट। यानी सब पे डैप है, तो बिल्डिंग हुआ, फर्नीचर हुआ और मोटर व्हीकल हुआ। तो हम फटाफट से क्वेश्चन पे जाते हैं। तो देखिए, यहाँ हमें टिक लगा देना है, फर्नीचर पे हो गया, मोटर व्हीकल पे हो गया और बिल्डिंग पे हो गया, राइट। ये टिक हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमें एडजस्टमेंट करते वक्त याद रहे, और यहाँ भी हम टिक लगा देते हैं, हो गया। बैंक अधिविकर्ष पर 850 रुपये ब्याज देना है, 850 इज ड्यू फॉर इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, तो बैंक ओवरड्राफ्ट से रिलेटेड है, यहाँ टिक लगा देते हैं और बैंक ओवरड्राफ्ट पे जाके भी टिक कर देते हैं। तो देखिए, ये बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, यहाँ भी एक टिक लगा देते हैं, इससे हमें याद रहे। चलिए, नेक्स्ट है हमारा 3000 का वेतन है और 1200 रुपये कर के अदत है, यानी कि सैलरीज 3000 और टैक्सेस 1200 आर आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग मैंने आपको बताया क्या ट्रीटमेंट है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन ये दोनों सैलरी और टैक्स रिलेटेड है तो वहां पे टिक लगाना जरूरी है। तो देखिए, यहाँ सैलरी दिया हुआ है, हमने यहाँ टिक लगा दिया और यहाँ टैक्स दिया हुआ है, यहाँ टिक लगा दिया। नेक्स्ट है हमारा 1000 बीमा के पूर्वदत्त है, इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू ₹1000 इज प्रीपेड, ठीक है, तो इसको भी टिक लगा देते हैं। और हम देखेंगे कि टैक्सेस एंड इंश्योरेंस साथ में ही दिया हुआ है, तो एक ट्रीटमेंट तो टैक्स के लिए होगा वो आउटस्टैंडिंग है और एक ट्रीटमेंट इंश्योरेंस के लिए भी होगा वो प्रीपेड है, तो यहाँ पे डबल टिक हो, इससे हमें याद रहेगा कि इस पर डबल एडजस्टमेंट है, राइट। चलिए, नेक्स्ट है प्राप्त कमीशन का एक तिहाई भाग अगले वर्ष के लिए कार्य के लिए, 1/3 ऑफ द कमीशन रिसीव्ड इज इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क टू बी डन इन नेक्स्ट ईयर। यानी ये कहना चाह रहा है कि जो कमीशन हमको मिला है उसका जो 1/3 हिस्सा है वो 1/3 हिस्सा नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, नॉट दिस ईयर। यानी कि इस ईयर में जो 1/3 वाला हिस्सा है ये हमारा कहलाएगा अनअर्न्ड, यानी कि अनुपार्जित, ठीक है। तो चलिए, इसका भी टिक लगा देते हैं। कमीशन देखिए, कमीशन रिसीव्ड है इसीलिए यहाँ पे क्रेडिट साइड में दिया हुआ है 3750। ओके, और यहाँ पे हम टिक लगा देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे,
6,000 की लागत के माल का जो कि व्यापारी ने अपने निजी उपयोग के लिए निकाला था, पुस्तकों में कोई लिखा नहीं, यानी कि जो हमारा ओनर है, देख सकते हैं, गुड्स कॉस्टिंग ₹6,000 वर टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज फॉर विच नो रिकॉर्ड हैज बीन मेड इन द बुक्स, राइट। यानी कि उसने ड्रॉइंग किया, गुड्स का ड्रॉइंग किया, उसकी कोई एंट्री नहीं हुई है, तो कोई बात नहीं, एक ड्रॉइंग्स पैदा हो गया हमारे लिए, ड्रॉइंग्स दिया होगा तो उसमें ऐड कर देंगे और गुड्स में से इसको डिडक्ट कर देंगे। तो देखें कहां कहां हमें टिक लगाना है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या ड्रॉइंग्स दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। क्या यहां हमें ड्रॉइंग्स दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, लेकिन परचेज दिया हुआ है तो परचेज के साथ ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। लेकिन ड्रॉइंग्स का ट्रीटमेंट कहां होता है, कैपिटल के साथ होता है, तो ड्रॉइंग्स, तो यहां कैपिटल पे भी टिक लगा देते हैं। नेक्स्ट, देनदारों पर 5% के बराबर अशुद्ध ऋण आयोजन कीजिए, मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स, ठीक है। तो 5% हमको प्रोविजन बनाना है, इसको भी देख लेते हैं फटाफट से। तो ये हमें डेटर्स दिए हुए हैं, इस पर टिक लगा देते हैं, और प्रोविजन यहाँ पर भी असर करेगा इसलिए इस पर भी टिक लगा देते हैं, और इस पर भी करेगा इसलिए इसको भी लगा देते हैं, ओके। अब देखिए ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़े, सारे एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट किस आइटम के साथ होगा वो तो हमने देख लिया। अब ये देख लेना है क्या कोई हिडन एडजस्टमेंट भी है यहाँ पे। देखें क्या यहाँ कोई लोन दिया हुआ है, नहीं, कोई हिडन एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में नहीं है, यही सारे एडजस्टमेंट्स हैं, इनकी एंट्री हमको करनी है। पर एक क्लोजिंग स्टॉक वाला है, उसका मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ओके। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ही था कि क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, कि आप साथ साथ बनाइए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साथ में बनाइए और बैलेंस शीट साथ में बनाइए, और एक ही बार में क्वेश्चन को पढ़िए और जो आइटम जहां पे प्लेस हो रहा है उसे वहां पे डायरेक्टली प्लेस कीजिए, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बना रखे हैं, यू कैन हैव अ लुक हियर, कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है, यहाँ पे केवल हमें डेट डालनी है, ओके। जो ऊपर वाला सेक्शन है दैट विल बी कॉल्ड ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, या आगे तक जाएगा ऑन दिस पेज एज वेल, ओके। और ये हमने फॉर्मेट बनाया हुआ बैलेंस शीट के लिए, यहाँ भी हम डेट डाल देते हैं, राइट। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो आइटम जहां से रिलेट कर रहा होगा उसे वहीं पे प्लेस कर देंगे, एडजस्टमेंट के लिए स्पेस छोड़ देंगे, सारे आइटम्स एक बार प्लेस हो जाए उसके बाद आप एडजस्टमेंट को टैकल करेंगे। ऐसा करने से क्या है कि क्वेश्चन आपका जल्दी होगा और गलती भी नहीं होगी। चलिए शुरुआत से शुरुआत करते हैं, फर्नीचर एंड फिटिंग्स कितना दिया हुआ है, 6,400, ओके। तो कहाँ जाना है आपको पता ही है। उसके बाद मोटर व्हीकल भी दिया हुआ है हमें, और उसके बाद बिल्डिंग भी दिया हुआ है, ये तीनों एसेट के आइटम हैं, और तीनों की तीनों कहाँ जाने वाले हैं, बैलेंस शीट में। तो फटाफट से इनको प्लेस करते हैं, 6,400 फर्नीचर फिटिंग, 62,500 मोटर व्हीकल्स एंड बिल्डिंग 75,000। सो हैव अ लुक, हमने तीनों एसेट्स को प्लेस कर दिया यहाँ पे, और सभी का अमाउंट अंदर लिखा है, स्पेस छोड़ा है हमने डेप्रिसिएशन का, ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कहाँ जाने वाला है हम सबको पता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, और इस पर देखिए एक टिक लगा हुआ है, ओके। यानी कि एक एडजस्टमेंट तो इसमें है, तो एक स्पेस तो छोड़ना ही है, बाकी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के लिए छोड़ना ही पड़ता है, तो दो प्लेस हमको यहाँ पे छोड़ने पड़ेंगे इसके लिए, ओके। कैपिटल अकाउंट 1,25,000, तो देख सकते हैं आप यहाँ हमने दो प्लेस छोड़े हैं, एक हम ड्राइंग पर एडजस्ट करेंगे और दूसरा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को प्लस माइनस करेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे पास कौन सा आइटम है, बैड डेट्स। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अगर आपको क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, ये ओल्ड वाला है, इसको अभी एंट्री हम नहीं करेंगे, इसको बाद में देखेंगे कि प्रोविजन नया जोड़ के अगर अमाउंट इतना सफिशियंट आ रहा है कि इसे घटाया जा सके तो इसे घटाएंगे, अदरवाइज इसे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पर दिखाते हैं, राइट। तो पहले हम बैड डेट्स को शो करेंगे, ठीक है, और बैड डेट्स में प्रोविजन ऐड करेंगे, और उसके बाद देखा जाएगा कि इसमें क्या एडजस्टमेंट हो सकता है, ओके। तो हम इसके लिए कुछ स्पेस छोड़ के चलेंगे, तो बैड डेट्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, हमें इसके लिए स्पेस छोड़ना है। बैड डेट्स हमको 1,250 दिया हुआ है, यहाँ इसमें प्रोविजन ऐड होगा और सफिशियंट होगा तो हम उसमें से ओल्ड प्रोविजन माइनस कर देंगे, फिर भी हम अगला आइटम कुछ स्पेस छोड़ के लिखें ये मानते हुए कि इसमें से ओल्ड प्रोविजन हमें घटाना पड़े। अब नेक्स्ट आइटम हमारे पास है देनदार एवं लेनदार, यानी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स।
तो आपको पता है डेबिट साइड वाला डेटर्स होगा और क्रेडिट साइड वाला क्रेडिटर्स होगा। तो 38,000 आपका एसेट में चला जाएगा और 25,000 आपका लाइबिलिटीज में चला जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं देनदार के ऊपर एक टिक लगा हुआ है, तो हमको एक स्पेस वहां छोड़ना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, हमने इसको बाहर लिख दिया, लेकिन डेटर्स पे एडजस्टमेंट है, इसलिए हमने 38,000 को अंदर लिखा है। ओके चलिए, अब हमको दिया हुआ है स्कंद 1 अप्रैल 2019 को, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2019, यानी कि हमारा ओपनिंग स्टॉक हुआ। ओके, क्योंकि ओपनिंग डेट पे है, तो 34,600 ये हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया। ठीक, ये ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। और ट्रेडिंग में क्या जाएगा, परचेज जाएगा, सेल्स जाएगा। डेबिट में परचेज होता है और क्रेडिट में सेल्स होता है। ओके, तो इनको भी प्लेस कर देते हैं। और देखिए यहाँ पे हमको सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न भी दिया हुआ है, तो उनके लिए भी स्पेस छोड़ के चलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ओपनिंग स्टॉक को प्लेस किया 34,600, सीधे बाहर लिखा हमने, लेकिन परचेज को अंदर लिखा। एक तो इस पर ड्रॉइंग वाला एडजस्टमेंट है और दूसरा परचेज रिटर्न भी इसमें से माइनस होगा। सिमिलरली सेल्स में से भी सेल्स रिटर्न माइनस होगा, इसलिए उसको भी अंदर लिखा। तो आप देखेंगे स्लाइड पे जितने भी आइटम है वो सारे हम प्लेस कर चुके हैं, राइट। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा जो पहला आइटम है बैंक ओवरड्राफ्ट दैट बिलोंग्स टू लायबिलिटीज, तो उसे वहां प्लेस कर देंगे। और ये जो सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न है, इसमें कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिएगा, जिस तरीके से परचेज डेबिट में होता है, तो परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट में होगा। मींस दिस इज परचेज रिटर्न एंड दिस इज सेल्स रिटर्न, तो कंफ्यूज नहीं होना, उल्टा रिलेशनशिप होता है। ओके, सो परचेज रिटर्न को परचेज में से माइनस कर देते हैं और सेल्स रिटर्न को सेल्स में से माइनस कर देते हैं, और बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लायबिलिटीज में प्लेस कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने बैंक ओवरड्राफ्ट को प्लेस कर दिया। अब परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न को मेंशन करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। तो आप देख सकते हैं परचेज में से हमने परचेज रिटर्न माइनस करके अमाउंट अभी अंदर ही लिखा है, क्योंकि ड्रॉइंग का एडजस्टमेंट इसमें होना है। लेकिन सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करके हमने बाहर लिख दिया 1,52,500, राइट। अब इस पेज पे हमारा नेक्स्ट आइटम है विज्ञापन, यानी कि एडवर्टाइजमेंट। तो हमें पता है ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है और इस पे कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। सिमिलरली इंटरेस्ट, ये भी डेबिट साइड में दिया हुआ है, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो इन दोनों ही आइटम को प्लेस कर देते हैं फटाफट से। यहाँ पे स्पेस कम है, नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं इसको। देख सकते हैं आप एडजस्टमेंट हमने 4,500 प्लेस कर दिया और इंटरेस्ट ठीक है 1,180 यहाँ लिख दिया। देखिए अगर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट करके दिया होता तो जो बैंक ओवरड्राफ्ट का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है उसको हम इसमें ऐड कर देते हैं, लेकिन वो दिया नहीं हुआ, तो इंटरेस्ट किसी और चीज का भी हो सकता है जो हम पे कर रहे हैं। नेक्स्ट कमीशन रिसीव्ड है, क्योंकि क्रेडिट साइड में दिया हुआ 3,750 और इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट भी है, तो चलिए इसको प्लेस कर देते हैं। तो ये क्रेडिट साइड में जाएगा और इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है, इसलिए हमने स्पेस यहाँ छोड़ दिया। नेक्स्ट आइटम हमारे पास है हस्तगत रोकड़ यानी कैश इन हैंड, तो ये बैलेंस शीट कैसे साइड में जाएगा, उसको वहाँ प्लेस कर देंगे। और इसके अलावा ये तीन जो आइटम हैं ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस से ही संबंधित हैं, तो इन तीनों को वहाँ प्लेस कर देते हैं फटाफट से। देखिए कैश इन हैंड हमने प्लेस कर दिया साइड में 6,500। देखिए सैलरी से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है, वहाँ टिक भी लगा हुआ है, हमने इसलिए इसको अंदर प्लेस किया, स्पेस छोड़ दिया। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस से संबंधित दो एडजस्टमेंट हैं, इसलिए हमने दो प्लेस छोड़े। और जनरल एक्सपेंसेस से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया, राइट। आप देख सकते हैं इस पेज पे यहाँ दो टिक थे, यहाँ एक है। ओके, इसके अलावा इस पेज पे अब कोई और आइटम नहीं रह गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आता है टाइम एडजस्टमेंट का। ओके, तो सबसे पहले ये जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है इसको निपटाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है क्या ट्रीटमेंट होना है इसका, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पे जाएगा और बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक शो कर दिया है 32,500 और इसे यहाँ भी शो करेंगे एसेट साइड में, राइट। अब बाकी के एडजस्टमेंट्स करने का टाइम आ गया है। इस तरीके से क्लोजिंग स्टेप स्टॉक को हमने दो जगह प्लेस किया है। सिमिलरली ऑल दीज एडजस्टमेंट विल बी प्लेस एट टू प्लेसेस, यानी सभी की एंट्री दो जगह होगी। ओके चलिए सबसे पहले बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। तो बिल्डिंग पे 5%, फर्नीचर फिटिंग पे 7.5% और मोटर व्हीकल पे 18% डैप हम लगा के उनमें से घटाएंगे और जो भी डेप्रिसिएशन की वैल्यू आएगी उसे प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे, टू प्लेस में शो हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं जरा। तो जैसा कि हमने देखा था बिल्डिंग पे जो डेप्रिसिएशन का परसेंटेज दिया है वो 5% दिया है। ओके, और बिल्डिंग की वैल्यू है कितनी, मैं शॉर्ट में यहाँ भी लिख देता हूँ 75,000, राइट।
दिया हुआ रहेगा। 75,000 का 5% आप इस तरीके से निकाल देंगे, क्या निकल के आएगा 3,750। ठीक, 3,750 हम यहाँ लिख देंगे और इसे यहाँ से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन के नाम से, राइट। कितना बचा वो यहाँ लिख देंगे। इसी तरीके से फर्नीचर फिटिंग्स पे देखें कितना परसेंटेज दिया हुआ है, 7.5%, राइट। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे, 480। ओके, इस 480 को फर्नीचर फिटिंग में से माइनस कर देते हैं, जो बचेगा उसके बाहर लिख देंगे, राइट। नेक्स्ट, मोटर व्हीकल पे कितना डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, 18%। तो मोटर व्हीकल की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 62,500, इसका 18%, 11,250। तो इसको भी यहाँ से माइनस कर देंगे, राइट। अब देखें हम, हमारे पास ये तीन डेप्रिसिएशन आ गए, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग एंड डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल। ये तीनों डेप्रिसिएशन एक जगह तो ट्रीटमेंट इनका हो गया, पर्टिकुलर एसेट में से हमने इनको माइनस कर दिया, दूसरी जगह इनका ट्रीटमेंट कहाँ होगा, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। देख सकते हैं यहाँ, मैं चाहता हूँ इनको अलग अलग भी लिख सकता हूँ, लेकिन सब पे डेप्रिसिएशन लग रहा है तो बेहतर है कि ऐड करके लिख दीजिए। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 3,750, फर्नीचर फिटिंग 480, मोटर व्हीकल 11,250, तीनों को ऐड किया बाहर लिख दिया, राइट। चलिए अब अगले एडजस्टमेंट पे कर चलते हैं हम, ये एडजस्टमेंट हमारा पूरा हो गया है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट पे 850 का इंटरेस्ट ड्यू है, कोई बात नहीं, तो बैंक ओवरड्राफ्ट पे ऐड कर देते हैं और इसे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देंगे। यहाँ लिख देते हैं टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, और यहाँ इसको हम चाहे तो इसके साथ ऐड करके भी लिख सकते हैं या अलग से भी लिख सकते हैं, ठीक। ये भी आपकी लायबिलिटी हो गई, चलिए ये भी एडजस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट हमारा एडजस्टमेंट क्या है, 3,000 सैलरी और 1,200 टैक्स आउटस्टैंडिंग है, तो इनको ऐड कर देंगे, एक जगह तो ये ट्रीटमेंट होगा, दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, ये हमारी लायबिलिटी हो जाएंगी। इनको कहाँ ले जाएंगे हम, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग हमने किया सैलरी में, 3,000 ऐड किया, 36,000 बाहर, और आउटस्टैंडिंग टैक्सेस हमने लिखा क्योंकि उसमें दो आइटम है तो सेपरेट करना जरूरी है, 1200 हमने ऐड किया और अंदर ही लिख दिया अमाउंट। ये जो 3,000 और 1200 है ये कहाँ जाएगा, हमारा लायबिलिटी साइड में जाएगा। देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड आउटस्टैंडिंग टैक्सेस हमने यहाँ लायबिलिटी में शो कर दिया। देखिए एडजस्टमेंट को आप तुरंत दोनों जगह प्लेस करें, कभी गलती नहीं होगी, वरना एक जगह आप सोचेंगे कि बाद में कर देंगे तो फिर आप भूल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा एडजस्टमेंट है, दैट इज 1,000 जो इंश्योरेंस किए हैं वो प्रीपेड, तो प्रीपेड का ट्रीटमेंट क्या होगा, ये माइनस होगा इंश्योरेंस में से और इसे हम एज एसेट दिखाएंगे बैलेंस शीट। तो देख सकते हैं आप 13,700 में से 1,000 माइनस कर दिए प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम का, इट कम्स आउट 12,700, राइट। और इस 1,000 को हम कहाँ ले जाएंगे, एसेट प्रीपेड इंश्योरेंस। ओके चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारा है जो कमीशन है उसका 1/3 अभी अनअर्न है, तो उसे हमें माइनस करना पड़ेगा कमीशन रिसीव में से और एक लायबिलिटी मान के बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा। तो पहले तो 1/3 कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेट्स सी कमीशन है कितना, 3,750, इसका 1/3 निकाल देंगे, दैट कम्स आउट 1,250। ओके, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अनअर्न कमीशन, तो इसे माइनस कर देंगे यहाँ से। देख सकते हैं 1250 हमने माइनस किया 3750 में से, इट कम्स आउट 2500, और जो 1250 है इसको हम कहाँ ले जाएंगे, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, राइट। चलिए जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा वो ड्रॉइंग से संबंधित है, 6,000 का गुड्स जो है प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है, ठीक है। तो एक तो इसे हम माइनस करेंगे परचेज में से क्योंकि गुड्स तो गया ड्रॉइंग्स के नाम से, अब हमारे गुड्स की वैल्यू रह गई 47,500, राइट। 6,000 का ड्राइंग है तो ये कैपिटल में से भी माइनस होगा क्योंकि ड्राइंग हमेशा कैपिटल में से माइनस होता है, आपको बताया गया था। ओके, सो 1,25,000 में से हमने 6,000 माइनस कर दिया, इट कम्स आउट 1,19,000। ओके चलिए नेक्स्ट हमारा एडजस्टमेंट है, मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स, राइट। चलिए देखते हैं इसका क्या करना है। सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, डेटर्स पे 5% प्रोविजन बनाएंगे, ठीक है। तो डेटर्स कितना दिया हुआ है हमको, डेटर्स दिए हुए हमको 38,000, ठीक है। तो 38,000 का 5% कितना हुआ भाई, 1900,
तो सबसे पहले तो इसे डेटर में से लेस कर देंगे और जो वैल्यू आएगी डेटर्स की बची उसे बाहर लिख देंगे, राइट 36,100। ये जो हमने 1900 माइनस किया है ये कहाँ ऐड हो जाएगा, बैड डेट्स में ऐड हो जाएगा। किस नाम से, न्यू प्रोविजन के नाम से। इट कम्स आउट 3150, ठीक है। अब देखिए एक एडजस्टमेंट तो हो गया। अब आपने देखा था कि क्वेश्चन में ये जो दिया हुआ था प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ओल्ड वाला, राइट 2000 रुपीज, तो मैंने आपसे कहा था अभी सफिशियंट नहीं है, 1250 है, ठीक है। इसमें प्रोविजन ऐड करेंगे तो माइनस कर सकते हैं, तो प्रोविजन ऐड करके वैल्यू आ चुकी है 3000 से ऊपर, तो अब इसे माइनस किया जा सकता है क्योंकि केवल हमें 2000 माइनस करना है और ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये आपका ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था, इसलिए इसका ट्रीटमेंट दो जगह नहीं होगा, इसे एक जगह से माइनस करेंगे और जो बची हुई वैल्यू होगी उसे बाहर लिख देंगे इस तरीके से, राइट। अब आप सोच रहे होंगे 2000 सर, अगर मान लीजिए 2000 फिगर नहीं होती, 4000 होती, 4000 होती तो इस 3150 को बाहर लिख देते और 4000 को हम यहां लिख देते बाय प्रोविजन करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कोई एडजस्टमेंट रह गया, नहीं, ऑल दी एडजस्टमेंट्स आर ओवर, नाउ इट्स टाइम टू मेक द टोटल। तो सबसे पहले टोटल करेंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट का, तो मुझे तो प्रॉफिट ही नजर आ रहा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं और डेबिट साइड का टोटल उसमें से माइनस कर देते हैं, कितना आया आप देख सकते हैं, क्रेडिट साइड का जो टोटल है दैट इज 1,85,000 और डेबिट साइड का जो टोटल है दैट इज 82,100, व्हाट कम्स आउट 1,02,900। ओके, 1,85,000 हम दोनों जगह रख देंगे क्योंकि ये ज़्यादा वाला टोटल है और इसमें से माइनस किया तो कितना बचा हमारे पास 1,02,900, ये हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। इसको कैरी डाउन कर देंगे और यहाँ पर ब्रॉड डाउन कर देंगे, ठीक है। हमेशा दोनों साइड एक एक प्लेस छोड़ के चले, अगर लॉस आता तो हम यहाँ पे बाय ग्रॉस लॉस सीधी लिख देते और टू ग्रॉस लॉस बीडी लिख देते, ठीक है, स्पेस थोड़ा छोड़ के चले। चलिए अब हमें टोटल करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ओके, तो डेबिट एंड क्रेडिट साइड देख लेते हैं, मुझे तो क्रेडिट साइड ही ज्यादा लग रही है। क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है 1,05,400, राइट, और डेबिट साइड का टोटल हो रहा है 79,680, राइट। चलिए इसको माइनस करते हैं तो कितना आया 25,720, ये हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। ओके, चलिए इसको प्लेस कर देते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल दोनों साइड लिख देते हैं क्योंकि ये ज़्यादा है 1,05,400, इसमें से हमने माइनस किया 79,680, क्या बैलेंस निकल के आया 25,720, दैट इज अवर नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट का क्या होता है, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल, ये नेट प्रॉफिट है। ओके, चलिए तो इसको कैपिटल अकाउंट में ऐड ऑन करते हैं और बैलेंस शीट का टोटल लगाते हैं, राइट। तो 1,19,000 में हमने 25,720 जोड़ा तो क्या निकल के आया 1,44,720। ओके, अब हमें दोनों साइड का टोटल करना है, देखें क्या आता है। इस साइड का टोटल तो आ रहा है 2,04,520, इस साइड का भी देख लेते हैं, इस साइड का भी टोटल सेम आ रहा है। सो इसका मतलब क्या है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है, राइट। तो जरा सम अप कर लेते हैं हमने किस तरीके से क्या किया। देखिए जब भी आपको फाइनल अकाउंट बनाना हो विद एडजस्टमेंट तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको, रीड एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स को पढ़िए, ठीक है, और मार्क दी कंसर्न्ड आइटम, जो भी जिससे भी रिलेटेड आपका एडजस्टमेंट है उसको मार्क कर दीजिए। दूसरा स्टेप क्या करना है आपको, प्लेस ऑल द आइटम्स एज यू रीड, यानी कि आप पहले से ही ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग एक प्लेस पे बना लेंगे और दूसरे पेज पे आप बैलेंस शीट बना लेंगे, जो जो आइटम आता जा रहा है उसको प्लेस करते जाइए एंड लीव स्पेस फॉर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के लिए स्पेस छोड़ते जाइए। ओके, थर्ड स्टेप, चेक एनी हिडन एडजस्टमेंट, इस क्वेश्चन में नहीं थी लेकिन किसी भी क्वेश्चन में हो सकती है तो उसे आप चेक करें। नेक्स्ट, जितने भी आपके एडजस्टमेंट हैं प्लेस ऑल एडजस्टमेंट वन बाय वन एट टू ऑफ द प्लेसेस, हर एडजस्टमेंट दो जगह जाता है तो उसी वक्त उसको वहां पे प्लेस कर दें, ठीक है। और लास्ट तो फिर आपको पता ही है, मेक टोटल,
उसमें गलती ना करें। ओके, इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, टिप्स को फॉलो करेंगे, क्वेश्चन आपका जल्दी होगा, गलती होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है, और आपको क्वेश्चन करने में मजा दिया है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा, फाइनल अकाउंट्स पे अगर आप मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे विद मल्टीपल एडजस्टमेंट्स। ये तो कुछ एडजस्टमेंट थे, बट पिछली वीडियो में हमने तरह तरह के एडजस्टमेंट डिस्कस किए थे। तो जो भी टेक्स्ट बुक आपके पास हो, आप उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तरह तरह के एडजस्टमेंट उसके अंदर होंगे, हो सकता है कुछ नए भी हो। तो अगर कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लेस कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। ओके, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।